Good morning, students. A very good morning to you all. Welcome to EV's Grade. We are seeing lesson number 9, that is school. Okay, which lesson is going on? Lesson number 9 is going on. Which lesson? Lesson number 9. And school heading what? School. What is heading? School. Okay. Lesson number 9. School means Pathshala. School means Pathshala. In previous period we saw how school is playing an important role in your life. कि हमारे लाइफ में स्कूल का रोल क्या है, स्कूल क्या रोल प्ले करती है. ओके, इट्स प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल. बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हमारे लाइफ में वो स्कूल प्ले करती है. कैसे? हाउ? बिकॉज वी आर कमिंग टू स्कूल टू रीड, टू राइट, टू लर्न मैनी थिंग्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सो दिस टाइप एक्टिविटी आर टेकन इन स्कूल. सो दिस वे वी आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स इन द स्कूल. ओके, सो वी सॉ इन लास्ट पीरियड हाउ लैंग्वेजेस आर प्लेइंग इम्पोर्टेंट रोल फॉर कम्युनिकेशन. मतलब हमारे विचार दूसरों को अगर बताना है, दूसरे के विचार अगर जान लेना है, तो हमें लैंग्वेज का मीडियम यूज होता है. और लैंग्वेज कहाँ पर सिखाई जाती है? स्कूल्स में. जो हमारी मदर टंग है हम घर से ही सीख के आते हैं. जैसे आई बाबा ऐसे आप बातें करते हो ना बचपन में. सो आपकी जो लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है वो घर से ही शुरू होती है, क्योंकि घर ही आपकी पहली स्कूल है. आपके मम्मी पापा आपको जो वर्ड्स सिखाते हैं ना, दीदी ताई बाबा, वैसे जो वर्ड्स आप बचपन में सीख के आते हो ना, इट मीन्स आपकी प्रोसेस वहीं से शुरू होती है. बट उसके आगे की जो प्रोसेस है वो स्कूल में कम्प्लीट होती है. स्कूल में आपको समझो अभी महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज मराठी है, गुजरात की गुजराती होगी. तो जो जो जिस लेवल पे जो स्कूल है वहाँ पे उनकी मदर टंग मतलब उनकी मातृभाषा सिखाई जाती है. फिर जो मीडियम की लैंग्वेज है इंग्लिश सिखाई जाती है. नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, वो भी सिखाई जाती है. मतलब आपकी लैंग्वेज की डेवलपमेंट स्कूल्स में होती है. आप लैंग्वेज स्कूल में सीखते हो. सो वी सॉ दिस इन लास्ट पीरियड. आफ्टर वी सॉ हाउ मैथ इज इम्पोर्टेंट इन योर डेली लाइफ. कि मैथ्स आपको इम्पोर्टेंट क्यों है ये भी हमने लास्ट पीरियड में देखा. आफ्टर दैट वी सॉ ईवीएस. ईवीएस मीन्स एनवायरमेंटल स्टडीज. आपको ये पता चलता है कि बारिश कैसे होती है, सन शाइन्स इन द स्काई, सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट. ये सारे जो सराउंडिंग्स है इसके बारे में आपको ईवीएस में पता चलता है. दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग, वी आर टीचिंग ईवीएस इन स्कूल्स. ओके, सो at the same time we enjoy drawing, crafts and arts, playing musical instruments in school. We use the library to read many kinds of books like comics, magazines, etc., etc. So this way school is playing an important role in our life. So that is the story. In this period we are going to see how we are celebrating the national and religious festival in school. कि हम स्कूल में कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं इस पीरियड में हम देखेंगे. सो पेज नंबर 45 ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड. सो पेज नंबर 45 यू हैव टू ओपन एंड पुट द फिंगर ऑन द लाइन व्हाइल आई एम रीडिंग. लेट्स स्टार्ट. ओके, इन स्कूल वी सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक इंडिपेंडेंस डे. नाउ व्हेन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे, जस्ट वी सेलिब्रेटेड इन ऑगस्ट 15th of August. 15 August को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं. गॉट इट? नाउ सेकेंड, रिपब्लिक डे. व्हेन वी आर सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे? ऑन 26th of January. सो दिस वे वी आर सेलिब्रेटिंग सो मेनी फेस्टिवल इन द स्कूल, बट सम ऑफ देम आर रिलीजियस फेस्टिवल लाइक दिवाली, पोला, होली, ओनम, पोंगल. इट मीन्स इट्स रिलेटेड टू रिलीजन. और पोंगल और ओनम जो है ये केरल के तमिलनाडु के हार्वेस्ट से रिलेटेड है. बट रिलीजियस के साथ हम नेशनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं. नेशनल फेस्टिवल में तीन फेस्टिवल आते हैं. 15th of August, ऑन 15th August रिपब्लिक डे, ऑन 26th of January एंड गांधी जयंती ऑन 2nd of October वी आर सेलिब्रेटिंग. सो दिस वे
And again Children Day we are celebrating. Children Day means बाल दिवस जो चाचा नेहरू के बर्थडे को मनाते हैं वो है 14th of November. So this way we are celebrating this day with great interest, Okay, मतलब हम बहुत हर्ष उल्लास के साथ ही हमारे नेशनल फेस्टिवल हम नेशनल त्यौहार हम मनाते हैं. Okay, next on Teachers Day. Teachers Day मतलब शिक्षक दिन. On Teachers Day we show our gratitude. Gratitude मतलब आदर भाव. जो टीचर के प्रति प्यार है आदर है उसको हम दर्शाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5th of September को ही आपको टीचर के प्रति आदर व्यक्त करना है. आप हमेशा ही कर सकते हैं और हमेशा से ही करते आए हो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग. वी नेक्स्ट स्किट एंड एंटरटेन टीचर्स. टीचर्स डे को हम स्किट रखते हैं या फिर प्ले करते हैं, ड्रामा करते हैं, गाने गाते हैं. टीचर्स को हम प्रेज करते हैं. प्रेज करना मतलब उनकी स्तुति करना, उनके फेवर में भाषण देना. चिल्ड्रेन डे इज अ फन फील्ड डे. चिल्ड्रेन डे एक खुशियों से भरा दिन है. वी हैव गेम्स एंड कॉम्पिटिशन एट दैट डे. हम बहुत सारे कॉम्पिटिशन कंडक्ट करते हैं और गेम भी खेलते हैं. नेक्स्ट वी एन्जॉय गोइंग फॉर पिकनिक. हम स्कूल से जब पिकनिक को जाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है. होता है ना ऐसा, जब आप बच्चों के साथ जाते हो, सबके साथ टिफिन खाते हो, खेलते हो पार्क में गेम. मतलब वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, स्लाइड्स हो या स्विंग्स हो, है ना, सीस हो, आप उस पर खेलते तो बड़ा मज़ा आता है ना. सो आप पिकनिक एन्जॉय करते हो जो स्कूल के थ्रू रखी जाती है. स्कूल आप औरंगाबाद हो या फिर जलगांव, अकोला, ऐसे जगह पे पिकनिक के लिए लेके जाते हैं. और जो बड़े रहते हैं उनको दूर दूर भी, आउट ऑफ स्टेट भी लेके जाते हैं. ऑन स्पोर्ट डे मैनी स्पोर्ट्स इवेंट टेक प्लेस. स्पोर्ट डे मतलब खेल का एक दिन रहता है आपके स्कूल में, ऑर्गेनाइज होता है. और फिर उसी दिन बहुत सारे खेल के इवेंट आप रखते हो, आप खेलते हो, आपके पेरेंट्स देखने आते हैं, टीचर्स आपको कोचिंग देते हैं. जैसे कि फुटबॉल के मैच है तो आपको फुटबॉल सिखाते हैं, एक दो महीने से आपकी प्रैक्टिस लेते हैं. फिर आप क्या करते हो कि स्पोर्ट डे के दिन वो गेम खेलते हो, प्राइजेस भी रहते हैं. सो इसी तरह लॉट्स ऑफ गेम आर प्लेइंग ऑन दिस स्पोर्ट डे इन द स्कूल. ओके, सो पेरेंट्स कम टू वॉच दिस गेम. पेरेंट्स भी आते हैं, उनको खुशी मिलती है कि चलो अपने बच्चे खेल रहे हैं. हाँ, आपको भी मज़ा आता है कि अरे हमारे पेरेंट्स देखने के लिए आ गए, होता है ना ऐसा. हाँ, पेरेंट्स कम टू वॉच अस टेकिंग पार्ट इन दिस इवेंट. पेरेंट्स भी आते हैं और आप इस इवेंट्स में क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो हर्ष उल्लास के साथ. आपको बहुत मज़ा आता है कि चलो हमने गेम में पार्टिसिपेट किया. और जब प्राइज मिलता है फिर पूछो मत, आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, मतलब आपको बहुत खुशी होती है. सो दिस टाइप ऑफ गेम्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑल्सो. ओके, सो ऑन दिस वे वी कंप्लीटेड दिस लेसन. नाउ क्लासरूम एक्टिविटी, राइट टू सेंटेंस अबाउट योर फेवरेट सब्जेक्ट. आपका जो फेवरेट है, पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसके बारे में 2 sentences लिखना है. वॉट एवर, इसमें म्यूजिक, इसमें इंग्लिश, इसमें ड्राइंग, इसमें आर्ट एंड क्राफ्ट. सो दिस वे वी हैव टू राइट 2 sentences ऑन द गिवन ब्लैंक्स. ओके, नाउ रिमेंबर पॉइंट्स ऑन पिंक बॉक्स पेज नंबर 46. ओके, फर्स्ट Remember, points are very, very important. While I am reading, you have to put the finger on the line. Okay? Are you ready? Let's start. Most neighborhood have schools. बहुत सारे neighborhood में schools होती है. Okay, second, at school we learn various things. हम school में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. For example, learning, writing, playing music, playing games, etc. Third, the language we speak at home is our mother tongue. कि जो language हम घर पे बोलते हैं वो हमारी mother tongue है. The language we speak at home is known as our mother tongue. Mother tongue means मातृभाषा, जो आपकी है मराठी.
आपकी अलग अलग हो सकती है, अगर आप हिंदी साइडर हो तो आपकी हिंदी हो सकती है, बट द रीजनल लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र इज मराठी। महाराष्ट्र की रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, प्रादेशिक भाषा कौन सी है, मराठी है। जैसे इंडिया की कौन सी है, हिंदी है, नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी एंड कम्युनिकेशन लैंग्वेज इज इंग्लिश। सो वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल इन स्कूल, ओके, और हम स्कूल में बहुत सारे फेस्टिवल, 14th November है, 15th August है, 26th January है, 5th of September है टीचर्स डे, तो ये सारे बहुत सारे जो फेस्टिवल हैं वो बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम मनाते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेम द लैंग्वेज यू लर्न इन योर स्कूल। क्वेश्चन आंसर वी आर नॉट गोइंग टू सी टुडे, दिस क्वेश्चन आंसर वी आर गोइंग टू राइट इन नेक्स्ट पीरियड, बट एक्सरसाइज नंबर टू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। द स्कूल लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। स्कूल लाइब्रेरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे होते हैं। ओके, सो द स्कूल लाइब्रेरी इज अ प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट, यस और नो, यू हैव टू जस्ट टिक ऑन करेक्ट आंसर। जो आपको करेक्ट लगता है उस पर टिक करना है। ये होमवर्क एक्टिविटी, इसलिए मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपको ये सॉल्व करके इसका फोटो भेजना है। अभी नहीं, पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद। ओके, वी प्ले डिफरेंट गेम एंड स्पोर्ट इन स्कूल, यस और नो, कि हम अलग अलग तरह के गेम खेलते हैं स्कूल में कि नहीं खेलते हैं। अगर आपको लगता है कि खेलते हैं तो यस पे टिक करना है, अगर नहीं खेलते तो नो पे टिक करना है। एनवायरमेंटल स्टडीज टीच अस अबाउट लैंग्वेजेस, कि यूएस में आप लैंग्वेज को पढ़ते हो, यस और नो, यू हैव टू डिसाइड। फोर्थ, टीचर्स डे इज ऑन 14th November, यस और नो, यू हैव टू डिसाइड। हम टाइम चेक करें, सो दिस वे सेकेंड एक्सरसाइज रिमेनिंग। ओके, सो फर्स्ट एक्सरसाइज वी कैन टेक, 6 minutes आर रिमेनिंग टू आवर लेक्चर, सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट। Page number 46. First, now name the language you learn in your school. आपके स्कूल में आप कौन सी लैंग्वेज सीखते हो? It's a very simple question. Okay, answer भी इतना simple है कि आप खुद को ही पूछो, आप कौन सी लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेजेस आती है। You can fluently speak English, Marathi and Hindi. So, first का जो आंसर है मैं यहाँ पे लिखने जा रही हूँ, English, Marathi and Hindi. अरे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, अदरवाइज आई एम गोइंग टू राइट एंड हिंदी। ओके, सो फर्स्ट देन सेकेंड, विच लैंग्वेज, English, Hindi and Marathi. These are three languages you can fluently speak. Okay. Then second question. What is the subject about numbers called? Subject जो रहता है number के बारे में उसको क्या बोलते हैं? Which is subject? What is the subject about numbers called? You can, देखो, mathematics is the subject about numbers. You can see, you can read easily in the textbook on page number 44. कि जो number के बारे में आपको subject पढ़ाता है, इसको क्या बोलते हैं? Math. क्या बोलते हैं? Math, you can write. So, that is math. You can write math, you can write mathematics also. Mathematics, okay? Second answer is mathematics. Okay.
ये सेकेंड आंसर है, ये फर्स्ट आंसर है कि जो सब्जेक्ट आपको नंबर के बारे में सिखाता है, मेजरिंग के बारे में सिखाता है, काउंटिंग के बारे में सिखाता है, उसको आप क्या बोलते हो? मैथ, इन शॉर्ट मैथ, इन लॉन्ग टर्म मैथमेटिक्स यू हैव टू सी। सो दिस वे सेकेंड आंसर इज ऑल्सो कम्प्लीटेड। नाउ थर्ड, नेम टू गेम्स यू प्ले इन स्कूल। आप स्कूल में कौन से दो टाइप के गेम खेलते हो? यू आर प्लेइंग सच गेम इनडोर, यू आर प्लेइंग सम गेम दोज आर आउटडोर। सो आउटडोर मीन्स जो गेट के बाहर खेले जाते हैं, मतलब जो घर के अंदर खेले जाते हैं उसको इनडोर, जो बाहर खेलते हैं उसको बड़ा सा ग्राउंड चाहिए होता है वो आउटडोर। सो यू कैन राइट इनडोर, यू कैन राइट आउटडोर ऑल्सो, बट यू हैव टू टेल मी टू गेम्स नेम। ओके, यू कैन राइट फुटबॉल, यू कैन राइट चेस, योर फेवरेट गेम यू हैव टू राइट हियर। ओके, और जिसको नहीं लिखते आया उनके लिए मैं लिख के दे रही हूँ चेस एंड फुटबॉल। ओके, फुटबॉल राइट, दिस इज फुटबॉल, इट इज दिस इज चेस, बट यू कैन राइट योर फेवरेट गेम ऑल्सो। आपको अगर आते हैं उसके स्पेलिंग, आपके जो फेवरेट है उसके आप नाम लिख सकते हो। वहाँ पे टू बताया था इसलिए हमने, यू कैन ऐड खोखो ऑल्सो, खोखो। ओके, यू कैन ऐड खोखो ऑल्सो। सो दिस वे एक्सरसाइज 1 and 2 इज कम्प्लीटेड, 1 and 2 आर कम्प्लीटेड। ओके, इन होमवर्क यू हैव टू सॉल्व दैट टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर सेकेंड, प्रीवियस होमवर्क सॉल्व एक्सरसाइज 2 ऑन पेज नंबर, व्हाट इज दैट पेज नंबर 46। ओके, एंड यू हैव टू सेंड फोटो इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, दैट्स इट इन ईवीएस टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।